जितना बड़ा गेट उसके लिए उसके हिसाब से उतना ही बड़ा ताला। जैसे कि आप देख सकते हो ये अद्भुत का एक केंद्र बन रखा है, कछुआ जी है, उसके ऊपर एक त्रिशूल है भोले बाबा का। नागपाल बाबा जी की समाधि, नागपाल बाबा जी जिन्होंने मंदिर बनवाया छतरपुर, जिन्होंने मंदिर बनवाया था वो नागपाल बाबा जी थे। हाँ जी। तो हे गाइस, वेलकम अगेन बैक विद अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम आपको ले गए हैं छतरपुर मंदिर। मेरे पीछे आप रोड देख सकते हो, जो मंदिर का वे है वहीं जा रहे हैं हम। मेरे साथ हैं आज अभिषेक, विशाल, तीनों के तीनों हम निकल चुके हैं छतरपुर की ओर। तो बस थोड़ी देर में छतरपुर पहुंचते हैं, फिर आपको हम उनके दर्शन करवाते हैं माता कात्यायनी के। तो छतरपुर आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन छतरपुर पड़ जाएगा। आप चाहो तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से पैदल जा सकते हो, वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही स्थित है। और चाहो तो आप रिक्शा कर सकते हो, वो 10 से 20 रुपये आपसे लेगा। लेकिन जब हम आ चुके हैं नीचे सड़क पे और यहाँ से आपकी लाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो जैसा कि देख रहे हो इस समय नवरात्रियों का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्राउड है। पुलिस वाले सारे जगह लगे पड़े हैं ताकि यहाँ पे क्राउड वगैरह जमा ना हो, तो ये सारे भगा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पे है। तो रास्ते में ही अपना श्रद्धा सबूरी जी का मंदिर पड़ता है, मतलब शिरडी शहर वाले का। सर देख सकते हो आप, यहाँ पे जाली वाला गेट है, यहाँ से नीचे का दिखाई देता है। हमें यहीं पे जाना है अभी, और अभी ये छोटे से वे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये साइड में पूरा का पूरा रोड सजा हुआ है, और पल्ली साइड पे आपका दूसरा मंदिर है, इसके अंदर एंटर होके हमें उसके बाद हम यहाँ से आउट होके हम दूसरी साइड पे जाएंगे। जैसे कि वहाँ आपको दिख रहा है, हमें यहाँ से डाउन होके फिर वहाँ निकलना है हमें नीचे नीचे से। और ये मंदिर की पूरी लाइन लग रखी है, देखो कितनी भीड़ हो रखी है आज। अभी हमें पहले चलना है जूते जमा करने, पहले हम चलते जूते जमा करने, उसके बाद जूते जमा करने के बाद आप ये अंदर जाने की लाइन है सारी की सारी जो पल्ली साइड है 113 नंबर, यहाँ पे जूते वगैरह जमा हो जाते हैं। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, नवरात्रों का टाइम चल रहा है। ये सारा का सारा एरिया आपका शूज़ का है, शूज़ रैक वगैरह है, और यहाँ पे आप अपना कैरी बैग वगैरह सारा कैरी कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं, यहाँ पानी है, हाथ हाथ धो के प्रसाद वगैरह यहाँ से आप लेके फिर वापस जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रखा है यहाँ पे, जैसा ही देख सकते हो वो पल्ली साइड का जो आपका उस साइड का था। उसके बाद यहाँ से हम एंट्री कर लेते हैं, और एंट्री की लाइन काफ़ी लंबी हो चुकी है, साइड वाइड में प्रसाद वगैरह बेचने के लिए खड़े हैं लोग। और यहाँ से हम चलते हैं अंदर की ओर। ये बैरियर्स वगैरह साइड में लगाए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा घूम के हमें जाना पड़ता है अंदर की ओर। तो बस यहाँ से घूम के फिर हमें अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप नारियल वगैरह लेके आते हो तो नारियल वगैरह आपको सब कुछ बाहर ही रखना पड़ेगा। वहाँ पे गार्ड जी बैठे थे, उन्होंने सारे के सारे नारियल साइड में रखवा दिए। और ये बहुत सारे रास्ते होते थे पहले, अब सिंगल लाइन कर दी गई है। जो आपका दृश्य होने वाला है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर अद्भुत लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमें भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ये देखो आप कितना अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। हमने रात का टाइम इसीलिए चुना था ताकि हमें ये लाइटिंग वगैरह सारी दिख सके। ये देखो सामने आप, ये देखो ये क्या ग्राउंड बना रखा है, मतलब क्या खुले में बना रखा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अभी आगे आपको नंदी जी दिखेंगे, शायद उन्हें बंद कर रखा है। इनके कानों में बोला जाता था पहले, अपनी इच्छा जाहिर कर जाती थी, लेकिन इसको ना पूरा का पूरा बांध दिया गया है, अभी इन्हें आप बोल नहीं सकते बिल्कुल भी। पहले यहाँ पे काफ़ी क्राउड लग जाता था, तो शायद इसी वजह से इन्हें बंद कर दिया गया है। बाकी आप डिज़ाइनिंग वगैरह देख सकते हो, तरीके की सजावट की गई है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे भक्तगण अभी थोड़े से कम है, लेकिन भीड़ कायम है। माता कात्यायनी के दर्शन करने जा रहे हैं अभी हम, फोटो लेना मन है। तो हम नीचे जा रहे हैं, मेन जो भी अपना जहाँ पे संगीत वगैरह हो रहा है हम वहाँ जा रहे हैं। अब अभिषेक ने टीका लगाया, मेरे भी लगाया है, अब हम आगे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ हर जगह लिखा पड़ा है कि मूर्तियों की फ़ोटो लेना मन है। ये थोड़ा सा भक्तगण वगैरह यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। यहाँ बैठकर आप लोग अभी प्रार्थना वगैरह जो भी है, माता के संगीत वगैरह को सुनकर आप कर सकते हो, जो भी आपका दिल कहे। आप चाहो तो बैठ भी सकते हो, आप चाहो तो आगे प्रस्थान कर सकते हो और दर्शन करने के लिए। कृष्ण भगवान जी की पालकी है ये, बाल गोपाल जी। और यहाँ पे छोटे छोटे हाथी, शेर वगैरह हो गए सब। और यहाँ पे आप देख सकते हो माँ का बैठक, दिखाता हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हो कैसा दिखता है ये माँ का बैठक कक्ष है, काफी अद्भुत है।
अनोखा है। डाइनिंग टेबल वगैरह लगा दी गई है, बाल गोपाल जी वहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते तो यहाँ माँ का शयन कक्ष दिखाई देता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कितना अद्भुत लगाया गया है यहाँ, और ये हमारे बाबा हैं जिनके थ्रू ये मंदिर का उद्घाटन वगैरह किया गया था, श्री नागपाल बाबा जी की जगह। और ये आपको पूरे बड़े से मंदिर जो भी अपना दर्शन वगैरह पॉइंट ये सारा आपको दिखा सकते हैं। ऊपर का आप देख सकते हो कितना सुंदर अद्भुत लगाया गया बनाया गया। और यहाँ पे आज भी संगीत हो रहा है, इस समय 8:05 वगैरह हो गया, और काफ़ी अच्छा सजाएगा नवरात्र महोत्सव पे रामलीला वगैरह का आयोजन वगैरह अच्छा किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी भक्तगण बैठे हुए हैं। अभी हम चलते हैं और आगे की ओर। देखो आप पे कितना बड़ा गेट है, यहाँ पर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो आप, और भजन बाण भी पढ़ सकते हो आप। और यहाँ देख सकते हो कितना का ज़्यादा मतलब क्राउड इस कदर है कि हमें आगे चलना पड़ रहा है। तो अभी हमारा एक साइड जो रोड के लेफ्ट साइड था वो हमारा कवर हो चुका है, अब हम चलते हैं आगे की ओर। ये मन्नत का पेड़ है जिसपे चुन्नी धागा वगैरह बांधा जाता है, जो प्रसाद में चुन्नी लेके आता है वो इसी में बांधी जाती है, और अपनी मन्नत माता से मांगी जाती है। प्रसाद बांधना मना है, सिर्फ चुनरी बांधे। और तो यहाँ से एग्जिट होने का रास्ता, अब यहाँ से चलते हैं, रोड के उस पार चलते हैं। तो गाइस मैं क्या सोच रहा था कि मैं ये 113 नंबर का टोकन ना फेंक दूं। भाई आपके इच्छा फेंक दो, सबके जूते आप दिलवाना। यार जूते दिलवाने पड़ेंगे इसके लिए। चलते हैं फिर, अपने जूते वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो अब हमें जाना है हनुमान जी की मूर्ति और परली साइड रोड के जाना है, तो हमें इस अंडरपास से होते हुए गुजरते हुए जाना पड़ेगा। तो अभिषेक, और यहाँ पे देखो स्लाइड्स में काफ़ी ज़्यादा कलाकारी की गई है मूर्तियों वगैरह की, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्राउड यहाँ पे आता हो वापस, कुछ लोग वहाँ पे पहले कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ इस साइड पहले कर लेते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आप जहाँ पहले दर्शन करना चाहते हो वहाँ कर सकते हैं। अब हम इस साइड आ चुके हैं, यहाँ पे भी क्राउड काफ़ी है आप देख सकते हो। और यहाँ देखो सबसे पहले चीज है कि आप देख सकते हो ये अद्भुत का एक केंद्र बन रखा है, कछुआ जी हैं, उसके ऊपर एक त्रिशूल है भोले बाबा का, जैसे कि देख सकते हो आप टॉप पे उनके डमरू है, उसके बाद जितने भी हैं नाग देवता है, नाग देवता ने उनको लपेटा हुआ है, और वहाँ पे नीचे एक ओम नमः शिवाय करके श्लोक भी लिखा पड़ा है। और साइड में आप देख सकते हो टेम्पल को किस तरीके से सजाया गया है, वो देखो आपको एक हनुमान जी भी दिख रहे होंगे वहाँ पे, दिख रहे हैं ना। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हम एंट्री कर चुके हैं, सारे के सारे हमने वहाँ से एंट्री करी, यहाँ पे आके हमें दिखे पहले हनुमान जी। हनुमान जी की काफ़ी ऊंची प्रतिमा है जैसा कि आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ है यहाँ पे आके। लाइटिंग वगैरह चारों तरफ है, नवरात्र का त्यौहार है, यहाँ श्री माँ के दर्शन लिखा है तो इस साइड जाना है, हनुमान जी के दर्शन करने तो इस साइड जाना है। जैसा कि इस समय चेंजेस हो चुके हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप कितना क्राउड है, यहाँ आपको क्राउड इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो एंट्री थी, एंट्री सिर्फ यहीं तक कर दी गई है, इस बैरियर तक, इसके आगे आप नहीं जा सकते। पहले हम वो अंगूठा है पैर का वहाँ तक जाते थे, पहले वहाँ पैसे वगैरह उछालते थे, बट अब इस समय इस बैरियर तक ही जाते हैं, इससे आगे जा नहीं पाओगे आप, तो यहीं से दर्शन करने पड़ेंगे हमें भी। और यहीं पे दान पेटी वगैरह रखे, यहाँ पे आप दान वगैरह करके तो देख सकते हो क्राउड इस साइड बाहर की तरफ कितना हो रखा है, क्योंकि एंट्री अंदर के तो बंद कर दिए इसीलिए माता के दर्शन के लिए, जैसे कि वहाँ लिखा पड़ा है श्री माँ के दर्शन। चलते हैं फिर श्री माँ के दर्शन करने के लिए वहाँ से। इसके अंदर से पूरी लाइन वगैरह जाती थी जो कि अब वहाँ से खत्म करके यहाँ से डायरेक्ट जाने के लिए कर दिया। गाइज आप लोगों को देख सकते हो जैसे इतना बड़ा गेट, उसके लिए उसके हिसाब से उतना ही बड़ा ताला। मैं आपको क्लोज व्यू देता हूँ इसका एक बार, देखो आप काफ़ी बड़ा ताला है ये, जैसे कि आप देख सकते हो माँ लिखा पड़ा है इसके ऊपर, देखो आप। और ये देखो ये जो लगाए गए हैं काफ़ी नोकीले होने वाले, इसके क्लोज कोई नहीं आ सकता। आप देख सकते हो कुंडी वगैरह और ताला वगैरह कितना हाई है, और कितना ऊँचा इसका दरवाज़ा है, ऊपर लाइटनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी गाइस सजाई गई है। यहाँ पे अंकल फोटो खिंचवाते हुए, जैसा कि आप देख सकते हो आगे के बहुत बड़ा घंटा है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बार, काफ़ी बड़ा घंटा है ये, बिल्कुल देखो आप इसके ऊपर काफ़ी मतलब श्लोक वगैरह लिखे पड़े हुए शिव जी जी का, टिश्यू वगैरह के भी इसके बनाए गए हैं साइड साइड में, जो बॉल्स वगैरह जो खड़े उसके ऊपर, और ये बिल्कुल ऑपोजिट है इसके ये ताले के। और बाकी हमें चलना है यहाँ पे, तो चलते हैं गाइस। देख सकते हो आज भी मंदिर में इतनी रौनक है, नवरात्रे वगैरह मतलब थोड़े कम, फिर भी थोड़ा कम है भीड़, लेकिन आज हम बच गए, हमारा लक था कि हमें दर्शन आसानी से हो गए, नहीं तो क्राउड काफी ज्यादा है। होता है एवरीडे नवरात्रों पे तो हर जगह ही होता है, हर माता का दर्शन तो होता है,
देखो आपको आपको एलिफेंट दिखेगा, काफ़ी बिग टाइप का ह्यूज देख सकते हो। और बिल्कुल पता है आपको किस तरीके का लुक दे रहा है, जैसे कि साइड में सीनरीज वगैरह होती है, बिल्कुल सेम प्रेम मंदिर का लुक दे रहा है। और साइड में आपके हाथी वगैरह हो गए। आप यहाँ से चढ़ के पहली मंजिल पर घूम के काफ़ी सारी मतलब जो मूर्ति भगवान की होती है वो होती है। देखो यहाँ पे गणेश जी है, उस साइड देखो गणेश जी हो गए पहले, उसके बाद आपके लाइटनिंग वगैरह चमकती चमकती बहुत सारे। और देखो सामने आपकी दुर्गा माता बैठी पड़ी, दुर्गा माता। और साइड में देखो आप बहुत सारे यहाँ पे मतलब भगवान वगैरह बहुत सारे यहाँ पे, शिव जी जी भी हैं वहाँ पे। और यहाँ पे आपका ये पालकी है, यहाँ पे बाल गोपाल जी का, और काफ़ी अच्छा सजाया गया आप देख सकते हो जैसे कि। और यहाँ पे जो भी भक्तगण है उनका क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, हम जूते वगैरह निकाल के रख दे। दो भाइयों में मिले थे सेवादार का, भाई नागपाल बाबा जी की समाधि, नागपाल बाबा जी छतरपुर जिन्होंने मंदिर बनवाया था वो नागपाल बाबा जी थे। हाँ जी, कात्यायनी माता का मंदिर, जो कात्यायनी माता को अपनी बेटी की तरह रखते, कात्यायनी माता को वो अपनी बेटी की तरह समझते थे। और आप क्या करते हो भाई? हम यहाँ के सेवादार है, जूता घर में सेवादार। ये जूता घर में सेवादारक है, ये जो आपकी समाधि है यहाँ पे बाबा नागपाल जी की समाधि है, जो कात्यायनी माता को अपनी बेटी की तरह मानते थे, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण वगैरह करवाया था। बाकी हम ऊपर चलते हैं अभी, तो चलते हैं गाइस ऊपर की तरफ, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। पहले आपके एक और नंदी जी आ गए, इनके कान में आप बोल सकते हो जो बोलना है आपको। तो हम ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभिषेक मैं विशाल, पहले फ्लोर पर चल के देखते हैं। पहले तो आप इन भगवानों के दर्शन कर लो, श्री माँ कमला देवी, कमला जी, श्री माँ महालक्ष्मी जी, काफी अच्छी मूर्ति वगैरह है। देखो यहाँ बीच में शेषनाग वगैरह है, देख सकते हो उनके ही चारों ओर हम घूम रहे हैं। तो काफ़ी देव देवताओं, माँ सरस्वती जी, श्री माता मातंगी जी, इन्हीं के हम चक्कर लगा रहे हैं। शेषनाग जी और भोले शंकर की जो शिवलिंग वगैरह रखी पड़ी है, श्री नागपाल बाबा जी हैं ये जिन्होंने इन मंदिर का निर्माण करवाया था। और अभी हम इन्हीं के चारों ओर घूम रहे हैं, देख सकते हो व्यूज वगैरह। काली माता जी है यहाँ पे, और अभी हम नीचे की ओर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं आपको किसी तरीके से दिखा रहा हूँ। लिखा पड़ा हाँ मना है, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे, फिर मैं बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। तो गाइस जितना शूट हो सकता था मैंने शूट करा, क्योंकि अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर सका, और जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी मैंने उतनी करी। बाकी हमारे एग्जिट का गेट है और हम यहाँ से एग्जिट की तरफ हम निकल चुके हैं। एक बार 5 से 6 हज़ार व्यक्ति यहाँ पे एक भंडारे को ग्रहण करते हैं, आप समझ सकते हो, और ये भंडारा 11 बजे तक चलता है रात के। तो गाइस इसी के साथ हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी मंदिर के अंदर की मैंने आपको सारी दिखाने की कोशिश करी है, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से रह गई होगी। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही नए कंटेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को दबाएं। और थैंक यू सो मच, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच गाइस।